स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल बनाएंगे। पहले हम माउंटेन बनाएंगे और उनकी आउटलाइन कर लेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम, और ट्री बना लेंगे साइड में। अब इस प्रकार से एक बड़ा ट्री बनाइए, एक छोटा ट्री बनाइएगा। सामने की ओर जो होंगे वो बड़ी ट्री होंगी और जो दूर होगी वो छोटी ट्री होगी। फिर स्काई कलर लेंगे, हमने पहले ही बता चुके हैं कि हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे स्काई। स्काई कलर हमेशा लाइट कलरिंग करेंगे। माउंटेन में हम येलो और से स्टार्ट करेंगे, जो लाइट कलर है इसे अच्छी तरह से फिल करेंगे, कहीं के वाइट छोड़ देंगे जहाँ रोशनी आ रही हो। और डार्क कलर से कहीं कहीं हम उसे शेप में डाल देंगे। इस प्रकार से हम एक शेप बनाएंगे, लगे कि वो एक माउंटेन। डार्क को याद रखेंगे कि कहाँ लाइट है कहाँ डार्क है। दूसरी माउंटेन साइड वाले को भी इसी प्रकार से हम येलो और से करेंगे, उसे फिल कर लेंगे, कहीं कहीं हम फिर से वाइट छोड़ देंगे ताकि वो लाइट का दिखाई दे। से हम इसमें भी उसी प्रकार से डार्क ब्राउन करेंगे और उसे अच्छी तरह एक रॉक का शेप दे देंगे, और ऊपर की ओर हमेशा छोड़ दिया करेंगे व्हाइट कलर ताकि वो लगे कि एक शेप में आ जाए। डार्क और लाइट हमेशा याद रखना चाहिए ताकि किसी भी चीज़ को हम एक शेप दे पाए। अब हम व्हाइट कलर लेंगे और उसे एक दूसरे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से मिक्स हो गया। ऊपर की ओर हमें हमेशा लाइट रखना है। स्काई में हम पर्पल कलर को यूज करके थोड़ा उसे और भी अच्छी तरह से बना सकते हैं। जहाँ क्लाउडी फिर दिखाई दे रहा है उसे हम पर्पल कलर कर लेंगे, फिर से फिंगर से वाइट कलर से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बैकग्राउंड अभी हम येलो कलर को भी मिक्स कर लेंगे ताकि और भी खूबसूरत दिखे, और ट्री में भी येलो कलर कर लेंगे। जहाँ जहाँ रोशनी आ रही है लाइट उसे येलो कर लेंगे, जितने भी ट्री हैं पहले से येलो कर लेंगे हम।